यार दोस्तों दवाई, ये है करंज तेल, सरसों तेल नहीं है। हम लोग तरफ करंज तेल होता है, पेड़ वाला, पेड़ में फलता है वाला है। हेलो मावता बेटिया, क्या डाल रही है? बिस्कुट। तो दोस्तों ये देखिए दवाई बन गया है हम लोग का गाय का। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोग का गाय का में मतलब जूहा हो गए थे, जूहू की क्या बोलते हैं तो ढीला बोलते हैं हम लोग के भाषा में, वो हो गए थे। तो दवाई तो लगाए थे, फिर कम भी हो गए थे, लेकिन और फिर से हो गए हैं। तो उसको लगाना है ना बाबू, और तो डॉक्टर साहब से दवाई लेके आए हैं, तो लगाने के लिए बोले हैं, तो अभी लगाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसी चलते आप लोग का गाय थोड़ा पतली हो जाती है, ढीला बराबर रहते हैं, इसलिए तो ये दवाई दिए हैं। तो और ऐसा तो मोड़ के नहीं होंगे बोले हैं, तो देखते हैं इसको लगा के कैसा होता है कैसा नहीं। तो तेल के साथ में मिलाए हैं, झारखंड के लोग हैं तो समझ जाएंगे करंज तेल, और बाहर तो पता नहीं करंज और चीज़ का बोला जाता है। तो दोस्तों ये देखिए दो बोरे और इमली लाए हैं इसको साफ करने के लिए। तो ये मेरा भाई हम लोग साथ में हाथ मिठा देता है, ये भी काम करने जाएगा, तो अभी थोड़ा गर्मी है इसलिए। हेलो दोस्तों, तो मेरा पानी चढ़ गया, अभी तो सोने का मन कर रहा है। तो ये देखिए डॉक्टर भी चल गए हैं, एक बोतल खाली हो गया पानी। तो चलिए आप गाय को थोड़ा दवाई लगा लेते हैं। दवाई लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम हम लोग का डॉक्टर भी आ गए थे, और अभी दवाई भी थोड़ा बहुत खाना है। तो दोस्तों दवाई पूरा लगा दिए हैं, अभी जाएगी खेत तरफ छोड़ देंगे। छोड़ दो उन्हें, खा के अपना चल जाएगी खेत तरफ। तो
गाय को भी दवाई लगा दिए और मेरा भी एक बोतल ग्लूकोज चढ़ा, उसमें दवाई सब भी डाले थे, दो तीन आइटम का, पता नहीं कौन चीज़ का था। तो डॉक्टर बोल रहे थे दोस्तों आपको पानी चढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि धूप मार दिया है, वैसा में पानी भी सूखता है और लहू भी सूखता है बोल रहे थे। और क्या होता है ना दोस्तों कि हमको कमजोरी कमजोरी सा बहुत लगता है और चक्कर चक्कर, तो अभी तो इतना अच्छा भी नहीं हुआ हूँ। और रात को आम को उबाल के कच्चा आम को पिया था और क्या बोलते हैं पूरा शरीर में लगाया था, तो उसमें बहुत सारे फर्क पड़ा, लेकिन कमजोरी वाला सिस्टम नहीं भागा था इसलिए हमको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया। तो आप लोग सोचेंगे होंगे क्यों ग्लूकोज चढ़ाए, तो यही रीज़न था दोस्तों। और दोस्तों अभी तो कुछ ठीक लग रहा है, देखते हैं शाम तक में कैसा होगा। और थकावट बहुत हो रहा था और पूरा शरीर मतलब लूज लूज लग रहा था हमको, पूरे दिन ऐसा ही लगता था, दवाई दिए उसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा था। तो शुरू दिन तो ऐसा हमको लग रहा था कि दवाई खा के ही ठीक हो जाएगा जैसा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग को डॉक्टर बुलाना पड़ा था। तो दोस्तों ये कुछ आज का वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पता नहीं है तो अभी 11 बजे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक अपलोड हो जाएगा, कल भी बहुत लेट हो गया था दोस्तों, और हमको थोड़ी अभी आराम करने जैसा मन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कितना बजे वीडियो अपलोड हो पाएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार हम लोग का चैनल में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो अभी ममता और बाबू तो सो गए हैं, सुलाने गई है करीना, यहाँ पर भी नहीं है, तो इमली साहब को भी छील रहे हैं, दादी माँ भी उधर बैठी है, तो मैं अभी थोड़ा आराम कर लूँगा बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।